जमीनी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के बाद इस बार तैयार होगा प्रदेश में कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र। प्रदेश के हर वर्ग को जगह मिलेगी घोषणा पत्र में। घोषणा समिति के सदस्य विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने घोषणा पत्र को लेकर रायशुमारी की। रीवा राजनिवास में मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव घोषणा समिति के सदस्य विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने रीवा जिले के सभी वरिष्ठ कांग्रेसजनों के घोषणा पत्र को लेकर विचार सुने। कांग्रेस पार्टी ने इस बार तय किया है कि पूरे प्रदेश में लोगों के पास जाकर किसान व्यापारी से मिलकर वह अपने घोषणा पत्र में वह सारी बातों का समावेश करेगी जिसका प्रभाव हमारे आपके दैनिक जीवन में पड़ता है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किसानों के हित के लिए कोई भी योजना भावांतर की तरह घुमा फिरा कर नहीं बनाएगी। वह किसानों को सीधी छूट देगी। एक बत्ती जैसी कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजना में वार्ड बढ़ाकर फिर से लागू करेगी। काफी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है अपने जिला कांग्रेस की, ये मैं कह सकता हूँ। ये जो घोषणा पत्र बनना है, सबसे पहले तो दिमाग में बात रखें, पंता तो हमेशा चला आया है। एक ज़माने में कांग्रेस का प्रभुत्व था, देश में एकमात्र बड़ी पार्टी थी। अधिकांश जगह हम ही जीतते थे। घोषणा पत्र कोई देखता था नहीं देखता था, सबका विशेष महत्व नहीं हुआ। कांग्रेस की जो रीति नीति सिद्धांत, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पिछड़ा वर्ग गरीब तबके किसान मजदूर नौजवान महिलाएं, इनके संबंध में तो हमेशा पॉजिटिव रुख कांग्रेस ने रखा है। उस जमाने में घोषणा पत्र की विशेष आवश्यकता भी नहीं थी, पढ़ते भी नहीं थे। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 3-4 चुनावों में भी मैंने देखा, क्योंकि मैं चुनाव भी लड़ता हूँ, वो घोषणा पत्र पोलिंग के दिन के एक हफ्ते पहले वो जिला कांग्रेस कमेटी या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में पहुँचता है।